नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अभी शादी का सीजन चल रहा है, सोशल मीडिया पूरी तरह दूल्हा दुल्हन और शादी के रस्मों की तस्वीरों से पट चुका है। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के कई मजेदार वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों को काफी एंटरटेन भी कर रही है। इन सबके बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो लोगों को चौंका रही है। इस मामले में सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई इसे सही ठहरा रहा है तो कोई गलत बता रहा है। जयमाले के वक्त आपने दूल्हे और दुल्हन को अक्सर रोमांटिक पोज में देखा होगा। इस पल को खास बनाने के लिए कपल कुछ रोमांटिक पोज देते हैं, जैसे एक दूसरे से गले लगना। अगर दूल्हे और दुल्हन की फैमिली जरा बोल्ड नेचर के हैं तो यहाँ ये कपल एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक मामला सामने आया है जहाँ एक दुल्हन को अपने दूल्हे का किस करना रास नहीं आया और इसका खामियाजा दूल्हे को ऐसे भुगतना पड़ा कि उसे बारात बिना अपनी दुल्हन के ही वापस ले जानी पड़ी। मामला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हो रही विवाह का है, जहां एक युवक और युवती की शादी हो रही थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दूल्हे और उसके परिवार ने लड़की के गांव बारात लेकर पहुंचे। तभी जयमाले के दौरान दूल्हे ने कुछ ऐसा किया कि दुल्हन ने शादी तोड़ दी। मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि जयमाला के दौरान युवक युवती को किस करने की कोशिश की और अश्लील हरकतें की। इसी बात से गुस्सा युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन के सामने किसी की एक ना चली। शादी की रस्में को रोकते हुए वहां हंगामा मच गया। दुल्हन की शादी से इनकार करने की खबर से कुछ देर के लिए बाराती और सरातियों के बीच सन्नाटा सा पसर गया। दूल्हा पक्ष की लाख मिन्नतें करने के बाद भी दुल्हन ने शादी के लिए नहीं माना। इसके बाद गांव की पंचायत बैठाई गई। पंचायत में भी दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह ना तो शादी करेगी और ना ही उस लड़के के साथ जाएगी। मामला थाने तक पहुंच गया। यहां पंचायत की सहमति के आधार पर ही विवाह की सारी रस्में समाप्त कर दी गई और दूल्हे को अपनी दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा। यह मामला यूपी के संभल जिले का है, जहां बदायूं के बिलसी निवासी युवक और बहजोई थाना इलाके के गांव की युवती की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हो रही थी। आप हमें कमेंट कर बताएं कि क्या लड़की ने लड़के के साथ सही किया। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।